अगर आप सरकार द्वारा विकसित कॉलोनी में रह रहे हैं और वहां से बाजार आने के लिए कोई रास्ता ना हो, या फिर आपको 5 किलोमीटर लंबा सफर तय कर शहर के दूसरे छोर तक पहुंचना पड़े, तो जरा सोचिए आपको कितनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। रेवाड़ी नगर परिषद के अंतर्गत आने वाली एक दर्जन से अधिक कॉलोनियों में रह रहे हजारों लोगों के साथ इन दिनों ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है। इन कॉलोनियों को शहर से जोड़ने वाले डबल फाटक पर अवरोधक लगाकर रेल प्रशासन ने इनका रास्ता पूरी तरह सील कर दिया है और यही कारण है कि पिछले 10 दिनों से चल रहा कॉलोनी वासियों का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा और अब डबल फाटक मार्केट के दुकानदार भी कॉलोनी वासियों के समर्थन में सड़कों पर उतर आए हैं। पर जो रास्ता जो बंद किया हुआ है, छोटे छोटे बच्चे आते जाते हैं स्कूल से, हम साग सब्जी लेने के लिए जाते हैं और अब 5 किलोमीटर घूम के तब जाना पड़ता है। हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और 5-6 दिन से पहले भी धरना दिया हुआ था और प्रशासन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है किसी तरह की, ना हमें किसी का सहयोग है और एक भी है ही नहीं। आजाद टीवी न्यूज के लिए रेवाड़ी से अजय अत्री की रिपोर्ट।